कोरोना कार्यकाल में सराफा कारोबार पूरी तरह से बंद थे, ग्राहक भी नदारद दिख रहे थे, लेकिन कोरोना का असर कम होते ही और आगामी त्योहारों के चलते सराफा बाजार ग्राहकों से सराबोर हो उठा है। इसी श्रृंखला में शहर के करण कोठारी ज्वेलर्स में फिर से एक बार ग्राहकों की भीड़ ज्वेलरी खरीदारी के लिए देखी जा रही है। शारदीय नवरात्र उत्सव के पहले दिन से ही बाजार में रौनक देखने मिली। कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद से ही बाजार से ग्राहकों की भीड़ नदारद थी, लेकिन अब एक बार फिर से बाजार गुलजार हो गए हैं। पिछले 7 महीनों से कारोबार न के बराबर चल रहा था, ऐसे में अब जब लोग फिर से खरीदारी के लिए निकल रहे तो व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अब व्यापार में एक बार फिर तेजी लौटेगी। नवरात्र के दौरान सोने चांदी के भाव में भी तेजी से बदलाव देखा जा सकता है। कोरोना के चलते ग्राहक भी खरीदारी करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन नवरात्र के साथ ही देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्र से लेकर दिवाली और धनतेरस तक बड़ी संख्या में लोग सोने के गहने खरीदते हैं। इसी श्रृंखला में शहर के करण कोठारी ज्वेलर्स में ग्राहकों की गहने खरीदने के लिए बड़ी भीड़ देखी गई। इस समय हमारी टीम ने ग्राहकों से बातचीत की है। इस दौरान ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। बाइट ग्राहक कोठारी में ग्राहक जो है बहुत हैप्पी होकर लौट रहे हैं। जो अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ है, लोग जो है घर से बाहर निकलना शुरू हुए। नवरात्रि उत्सव है और नवरात्रि उत्सव के दौरान अभी दशहरा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, सोने चांदी के गहने हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक कस्टमर है, उनसे हम जानेंगे कि आज आप करण कोठारी ज्वेलर्स में आए हैं इतने दिनों बाद। 6 महीने का लॉकडाउन था जिसके बाद अभी धीरे धीरे दुकान शॉप खुलने लगे हैं, क्या आपने खरीदी थी, क्या बता दें आपका अनुभव? एक्चुअली मैं कोठारी ज्वेलर्स का लगभग 7-8 ईयर्स से मैं ऑलरेडी कस्टमर हूँ और मैं हमेशा यहीं से शॉपिंग करता हूँ। हमारी शादी की शॉपिंग भी हमने यहीं से की थी। एंड यहाँ का एटमोसफियर देन हाइजीन एंड एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड, सो हमें डर नहीं लगता यहाँ पे शॉपिंग करने आने के लिए। एंड देन डिज़ाइन ऑफकोर्स ज्वेलर्स दिस इज़ फेमस फॉर न्यू डिज़ाइन, लेटेस्ट डिज़ाइन, सो मेरे वाइफ को यहाँ का डिज़ाइन हमेशा अच्छा लगता है। तो इसलिए लेडीज़ और गहने ये तो बहुत ही समीकरण ही ऐसा है, क्या बताओगे आज आप शॉपिंग? ऐसा है कि हमेशा जब भी ये मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं तो हमेशा कभी मुझे पसंद आता है कभी नहीं, तो इन्होंने लाना ही छोड़ दिया था कि इन्हें पसंद आएगा या नहीं, बट जब से हम यहाँ के गिफ्ट्स लाते हैं तो यहाँ का मुझे 100% पसंद आता है एंड स्टाफ भी काफ़ी हेल्पिंग है। एंड ऑब्वियसली अभी जो कोरोना का चल रहा है उस केस में यहाँ पे हाइजीन प्रॉपर है, सब लोग प्रॉपरली है, तो हमें डर नहीं लगता। तो यस, एवरीवन मस्ट विजिट हियर इफ़ दे वांट टू बाय समथिंग, लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ज्वेलरी शॉप। बताओगे अभी नवरात्रि उत्सव चल रहा है, दशहरा है, क्या नए डिज़ाइन करण कोठारी में देखने मिले हैं? मतलब जैसे पहले का था रौनक, वही रौनक आज भी दिख रही है, क्या नया लाया है आपके लिए? लोगों के हिसाब से हाँ, लोग थोड़ा हिचक रहे तो धीरे धीरे आ रहे हैं, पर अगर हम डिज़ाइन देखें तो हाँ वो पहले जैसे ही है। काफ़ी वेराइटीज़ है, हम काफ़ी सालों से यहाँ से ले रहे हैं, मतलब शादी के पहले भी ये अलग से मैं अपने साइड से तो यहीं पर ले रहे हैं। तो हाँ, न्यू डिज़ाइंस है, इनके पास हमेशा ही रहते हैं, इट्स नॉट कि अभी है। एंड स्पेशली हम इयर रिंग्स खरीदने के लिए अभी आए हैं, तो हाँ काफ़ी न्यू डिज़ाइंस है, तो इट्स नाइस। तो कोरोना के बाद भी जो लोग हैं यहाँ की सर्विस, यहाँ की डिज़ाइंस, यहाँ की ज्वेलरी खरीदने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ करण कोठारी जो है हमेशा ही अपने ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा देखते आया है, उसी के चलते ग्राहक भी जो है बेझिझक, कोरोना का दौर चल रहा है लेकिन फिर भी बेझिझक यहाँ आकर अपनी शॉपिंग, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि उत्सव के दिन चल रहे हैं और कल दशहरा भी है, आप देख करण कोठारी ज्वेलर्स में आए हैं और आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ग्राहक जो है हमें खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक ग्राहक है जिन्होंने अभी अभी खरीदारी की है, तो उनसे हम जानते हैं कि कोरोना के बाद जो है अब अनलॉक हुआ है और अनलॉक के बाद दुकान में
शुरू हो गई है, आपने आज पूरा किया है, दशहरा है कल, नवरात्र चल रहा है, तो कैसा लग रहा है कोरोना के बाद आ रहे हैं, कैसी सेफ्टी है दुकान में? कि सेफ्टी वगैरह तो बहुत है यहाँ पे, आई मीन आते ही टेम्परेचर चेक हो रहा है, प्लस सैनिटाइजर एंड सैनिटाइजेशन बहुत है यहाँ पे, सो या आफ्टर कोरोना ऑल्सो दे आर टेकिंग सेफ्टी मेजर्स जो यूजफुल होने चाहिए, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड हम यहाँ पे रेगुलर कस्टमर्स है, सो कोरोना से पहले भी सेफ्टी थी एंड कोरोना के बाद भी सेफ्टी मेजर्स है। तो क्या जो कोरोना से पहले आप यहाँ सी कोरोना के बाद तो बहुत सारी चेंजेस आई है और वो हर जगह जो मैंडेटरी है वो तो होना ही है, लेकिन हम आप खुद भी देख सकते हो कि एवरी स्टाफ मेंबर सबके पास मास्क है एंड हर कोई थोड़ा डिस्टेंस से ही बात कर रहे हैं, नॉट लाइक जो पहले कोरोना से पहले जो ये थे, आई मीन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। जो मेजर चेंजेस है वो वही है कि सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर चेक जो हर जगह पे जो मैंडेटरी होना चाहिए, सो या यहाँ पे भी वही है। एंड आप देख सकते हो कि गेस्ट वगैरह भी सब मास्क के साथ है, सो या आई मीन इट्स बोथ वेज कि दोनों जगह से इट्स गुड। सी हर साल आई वुड से कि डिज़ाइंस बहुत चेंज होते हैं एंड हर साल सी मॉडर्न जनरेशन है सो उस तरह से मॉडर्नाइज डिज़ाइंस भी है, सो या हम लोगों ने भी आज काफ़ी शॉपिंग की है यहाँ से, सो या वी आर रियली इम्प्रेस्ड बाय द सर्विस। कि हैप्पी कस्टमर है, जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है शॉप की ओर से, नवरात्रि उत्सव है, नवरात्रि के लिए जो ग्राहक है ख़रीदारी करते हैं, कल दशहरा है, दशहरे पर के अवसर पर भी ख़रीदारी शुरू है, ग्राहक जो है यहाँ पर हैप्पी है और हर साल जैसे नए डिज़ाइंस रहते हैं, इस साल भी कुछ नया करण कोठारी लेकर आया है अपने ग्राहक के लिए। अभी हमारे साथ और कस्टमर है, उनसे हम जानेंगे कि क्या अनुभव रहा है आपका आज इतने दिनों बाद, मतलब अनलॉक हुआ है जिसके बाद धीरे धीरे जो है मार्केट खुलने लगे हैं, लोग बाहर निकलने लगे हैं, आप भी आज शॉपिंग की है, क्या बताओगे कैसा रहा है? हम लोग करण कोठारी हमेशा से, मतलब हम लोग बहुत सालों से करण कोठारी में शॉपिंग करते आए, कलेक्शन इनका हमेशा से ऐसा रहा है कि देखते से पसंद आने लग जाएगा, आप बस बोलिए इन्हें कि हमें इस टाइप का, इस पैटर्न में ये चाहिए और उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ फ्रॉम। अभी कोविड के बाद से हम बहुत हेजिटेंट थे बाहर स्टेप आउट करने में, शॉपिंग करने में, बट जब हम दोनों ब्रांचेस धर्मपेट भी और यहाँ शहीद चौक भी आए, ये लोग इतने अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशंस इन्होंने मेनटेन किए हैं कि जितना भी वो अंदर का हेजिटेशन है वो निकल गया है। मैं यहाँ पे अभी अपनी वेडिंग शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, जितना भी ज्वेलरी वगैरह, तो जितने भी फ्रीक्वेंट हमारे विजिट्स रहे हैं, दे हैव मेड श्योर एवरी टाइम कि हम लोग एकदम कंफर्टेबल रहे हैं, कुछ भी कोई ये नहीं है कि हाँ डर लग रहा है, कुछ नहीं, हम जितने भी ट्रायल्स ले रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे से है, स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सब कुछ दिखाना, सब डिज़ाइंस दिखाना वगैरह सब कुछ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो गुड एंड रिलीविंग कि दिस नो सेकेंड थाट कि हाँ हमें करण कोठारी के अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत है। वेडिंग की शॉपिंग है ऑब्वियसली, मतलब बहुत सोच समझ के और बहुत बड़ी शॉपिंग रहती है, तो क्या नई ज्वेलरी की डिज़ाइन मिली है, क्या बताओगे? हाँ जी, मेरे को मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 थिंग्स दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम, मैंने करण कोठारी से ही लिए है और पूरा मेरा वेडिंग ट्रूज़ो का जितना भी पार्ट है ज्वेलरी मैंने यहीं से पिक किया है और मेरे को इतने सब कुछ ऐसे जो हमें आजकल के इसके हिसाब से ट्रेंड्स के हिसाब से जितने गर्लिश डिज़ाइंस चाहिए होते हैं सब कुछ, वो सब मुझे एक बार में यहाँ पर पसंद आ गया, थैंक यू। तो ये हमारे दूसरे कस्टमर थे करण कोठारी के, जो बहुत ही हैप्पी थे, ये अपनी शादी की जो है ख़रीदारी यहाँ से कर रहे थे, मतलब कोरोना के बाद जो है धीरे धीरे मार्केट जो खुलने लगे हैं, सब शॉप खुलने लगी है और जो लोग हैं वो बेझिझक अब घर से बाहर निकलकर शॉपिंग करते हमें दिख रहे हैं। इस दौरान करण कोठारी ज्वेलर्स के डायरेक्टर प्रदीप कोठारी, इन्होंने कहा कि पहले ग्राहकों में कोविड का डर था, लेकिन अब ग्राहकों के मन से ये डर निकल चुका है और हमारे द्वारा ग्राहकों के सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है, जिसके चलते ग्राहक भी गहने खरीदारी के लिए बड़े उत्साह के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। साथ ही कोठारी बोले, ग्राहकों का संतोष ही हमारा ध्येय है। हमारा अभी शादी का भी तैयारी कर रहा है और साथ में पिछले जो 6 महीने का
जो खरीदी जिनकी रह गई थी तो वो लोग अभी काफ़ी अभी केसेस कम होने से बाहर निकले तो अच्छा प्रतिसाद है सेल्स में। डिजाइने काफ़ी हमने नई बनाई है, जैसे बकुड़ी हार हो गया, जो चीताफल हार होता है, जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उस पर मेन फोकस किया है, साथों साथ में डायमंड हो गोल्ड में काफ़ी नई नई वेराइटी निकाली है। जी हाँ, ज़रूर से काफ़ी अच्छा, लोगों में एक वापस से जो था, जो बीच में फियर का माहौल था वो निकल चुका है और वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे हुए मास्क लगा के शॉपिंग एंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के चलते धीरे धीरे बाजार खुलने लगे और लोग भी कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों की खरीदारी करते दिख रहे हैं। देश में कोरोना के बाद जो है लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद अनलॉक हुआ है और अनलॉक के बाद धीरे धीरे जो है कुछ प्रतिष्ठान व्यवसाय जो है धीरे धीरे खुले जा रहे हैं और उसके बाद जो है हम देख पा रहे हैं कि शॉप जो है ये खुल रहे हैं। और आज हम करण कोठारी ज्वेलर्स में आए थे, हमने देखा कि नवरात्रि उत्सव है, आने वाले दिनों में त्यौहार दिवाली जैसा त्यौहार आने वाला है, शादी इसी के साथ शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो लोग जो है यहाँ की सेफ्टी, यहाँ का जो सुविधा, यहाँ की सर्विस जो है उसके चलते यहाँ पर आकर बेझिझक होकर हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBC News नागपुर।